बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजार में मच्छी सस्ती हो गई है और मोबिल बड़े बड़े आ रहे लाने के, और एकदम चमचमी सालन बना के खाने का, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो हमारे हफ्सा साफ करने का बता रही आपको, ये आज तक ऐसा कोई सालन नहीं बनाया, ऐसा हम बना रहे। ऐसा बना के खाओ और घर वाले को पिलाओ अलग अलग तरीके से। देखो घर वाले कितना तो मैं अच्छा बोलेंगे। देखो मेरी हफ्सा ने काटा छुपटा ने हाथ लिया वो मिल का, देखो हाथ से साफ हो रही है एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो आजू बाजू का सब साफ हो गया। अभी उसके खवले निकालेंगे, खवले भी एकदम कम रहते, ज्यादा नहीं रहते। देखो ये बोमिल बहुत टेस्टी लगते है, छोटा बच्चा भी खाता शौक से इसको। ये काटा अगर हालत में भी गया तो अटकता नहीं है, तब फर्स्ट क्लास नरो काटा रहता है उसका। अभी देखो ऐसा काटे, देखो एकदम फर्स्ट क्लास बनाए। साफ करने का बताए, अभी मसाला बताए। तीन टमाटे लिए हैं, जार में दाल, ये देखो एक टेबल स्पून धनिया, एक टेबल स्पून जीरा, हाँ थोड़ा सा करी पत्ता। करी पत्ता लेना जरूरी है, अच्छा टेस्टी लगता है पीसने में। एक मुट्ठी भर लहसुन सिले हुआ। अभी हमने इमली का पल्प डाले, इमली का दो टेबलस्पून पल्प डाले। आपको चाहिए तो आप कोकम का भी पल्प डाल सकते हैं। एक टीस्पून हमने हल्दी लिए, एक टेबलस्पून कश्मीरी बेट की लाल मिर्ची पाउडर घर की बनाई, थोड़ा सा चुटकी भर मेथी दान डाल दिए। अभी एक मुट्ठी कांदा डाली, मतलब प्याज। अभी ये बोमिल को साफ किए, एकदम धोए, एकदम फर्स्ट क्लास धोए बोमिल। अभी इसको ये देखो, ये एक चुटकी भर हल्दी, क्योंकि उसमें हल्दी डाले ना मसाले में, एक चुटकी भर हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। अभी लगा के रखेंगे इसको आधा घंटा साइड, अच्छे से लगा के रखने का, इसको साइड में रखेंगे। अभी हमने आधा कप तेल डाल दिया, करी पत्ता डाल दिया और लहसुन डाल दिए, आधा लहसुन डाल दिए, अच्छा कूट के डाले मंदस्ते में, अच्छा तरकने देने का अच्छे से। हाँ ये देखो अभी हमने एक मुट्ठी प्याज डाल दी, एक मुट्ठी प्याज मतलब एक छोटा प्याज, बारीक बारीक काटने का, और डाल दे। देखो प्याज का कलर बदली हो गया, पिंक कलर का हो गया, मसाला पीसे वो डाल, अच्छे से भूनने का, अच्छा खुशबू आने तक ये मसाला भूनेगा, तेल ऊपर आने तक। देखो कितना अच्छे से मसाला भून के हो गया, तेल भी ऊपर आ गया। चौरे बर्तन में बोमिल पकाने के, नहीं तो बोमिल टूटते हैं निकालते थे, इसके लिए चौड़ा बर्तन लेने। अभी हमने आधा नारियल का दूध डाले, ताजा नारियल का आधा दूध डाले, आधा नारियल का दूध डाल दिया, अच्छे से उसको मसाले को अच्छे से खोल के लेंगे, मतलब उबाल के लेंगे। उबाल के लिए उसमें अभी एक एक करके बोमिल छोड़ेंगे, एक साथ नहीं डालने का, नहीं तो बोमिल टूट जाते हैं। ऐसा डालने का, लाइन लाइन से डालने का। अभी हिलाने का कैसा, बर्तन उठा के हिलाने का, चम्मच नहीं डालने की इसमें, ये देखो ऐसा हिलाने का, तो आज से पकड़ के अच्छे से हिला के ढककर रख के इसको अभी 7 मिनट तक पकाएंगे। ज्यादा नहीं पकाने का, बोमिल एकदम गल जाते हैं। कोथमीर डाल दी, इजी बनाने का, इजी खाने का, झटपट बनाने का, झटपट खाने का। देखो तेल ऊपर आ गया, 7 मिनट हो गए। अभी गैस बंद करेंगे, ढककर रख के ऐसा ही रखेंगे, भाप के अंदर बाकी का पकेगा, ज्यादा नहीं पकाने का। बोमिल खीर उजान जाए, खीर बन जाएगी। देखो बोमिल का सालन बन के तैयार है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, अल्लाह हाफिज।